Hi, I'm Dr. Ruchi Tandon and I'm here to discuss about fibroids. Fibroids are benign, non-cancerous growth of the uterus that are usually seen in reproductive age group women. Usually fibroids are noticed in women in the age group ranging from their 30s till their 50s. And the main presenting complaint of fibroids are heavy menstrual bleeding or intermenstrual bleeding, that is bleeding between two successive periods. अब फाइब्रॉइड को हम डायग्नोज कैसे करते हैं, ये हमें यूजुअली अल्ट्रासाउंड पे पता चलता है या हमारे क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे पता चलता है। फाइब्रॉइड्स कई प्रकार के होते हैं। देयर इज द सबसीरोसल फाइब्रॉइड, इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड एंड सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड। हर फाइब्रॉइड की अपनी ही टेक्निक होती है। मैं स्पेशलाइज करती हूँ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, दैट इज़ की होल सर्जरी में। ये एक स्पेशलाइज्ड सर्जरी है जिसमें हम बिना स्टिच दिए या बिना कट किए फाइब्रॉइड को शरीर से निकालते हैं और इसमें फीमेल को बिल्कुल भी स्कार नहीं होता। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इसमें हॉस्पिटल स्टे ज़्यादा नहीं पड़ता। यूजुअली स्टे इज़ 2 डेज मैक्सिमम एंड रिकवरी इज़ वेरी फास्ट। वीमेन कैन गो बैक टू देयर वर्क इमीडिएटली पोस्ट द सर्जरी एंड आई थिंक विथ द एडवेंट ऑफ टाइम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हैज़ बिकम द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट फॉर फाइब्रॉइड। Please feel free to discuss any deviation of your menses with your treating gynecologist. We'll be more than happy to help you and have a happy and safe period.